हमारे देश में प्रेरणा लेने के लिए एक से बढ़कर एक लोग हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे पशु प्रेमी हो, चाहे पर्यावरण प्रेमी हो या कोई खिलाड़ी हो। प्रेरणा के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो फिल्म मेकर है ये बनाएंगे तो सिर्फ कचरा ही। अब जो फिल्म मेकर है यानी कि बॉलीवुड है, ये जो रानू मंडल के ऊपर बायोपिक बनाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम है मिस रानू मारिया। कल को शायद रानाघाट रेलवे स्टेशन पर रानू मंडल का स्टेचू भी लग जाए, किसी क्रांतिकारी की, किसी शहीद की फोटो लगे या ना लगे, उसकी मूर्ति लगे या ना लगे, लेकिन रानू मंडल का उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पुतला जरूर लगाया जाएगा, वो भी हाथों में माइक लेकर गाते हुए। अब देखिये, रानू मंडल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। रानू मंडल जिंदगी में क्या करती है क्या नहीं करती उससे मतलब नहीं होना चाहिए, वो आगे बढ़ते रहे, हर कोई सुखी रहे, यही ऐसी कामना होनी चाहिए। लेकिन फिल्म मेकर जो कर रहे हैं ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और ये एकदम बेकार आइडिया है रानू मंडल के ऊपर बायोपिक बनाने का। मतलब लता मंगेशकर जी के ऊपर बायोपिक बने या ना बने, लेकिन लता मंगेशकर जी के गाने को गाकर रानू मंडल वायरल हो गई तो उनके ऊपर पूरी की पूरी बायोपिक ही बना दी जा रही है, इतना सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, फिल्म भी जरूर चल जाती अगर रानू मंडल को घमंड नहीं आता। रानू मंडल जिस तरह से चाहे मीडिया वालों के साथ बर्ताव हो या चाहे किसी के साथ भी बर्ताव हो जो उनका घमंड दिखाई पड़ा, उसके बाद ही जिस जनता ने उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया था उसी जनता ने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दी। कल को पता चला कि बाबा का ढाबा वाले जो महाशय हैं उनके ऊपर भी बायोपिक बनाने की तैयारी चल रही है कि बाबा के ढाबा ने कितना स्ट्रगल करके, कितनी बढ़िया एक्टिंग करके इतना सारा फंड जमा किया और उसके बाद जिसने उनकी मदद की उसी की बैंड बजा दी। फिर कल को बचपन का प्यार वाले सहदेव के ऊपर भी बायोपिक बन जाए कि कैसे इनकी मेहनत और सक्सेस स्टोरी को दिखाया जाए, भुनाया जाए, जबकि मेहनत और सक्सेस इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये रातों रात मिली पब्लिसिटी है जिसके दम पर ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर वो फिल्म मेकर न्याय द जस्टिस नाम की फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है और इसे रिलीज करने की भी तैयारी कर चुका है और उसके सुशांत के नाम पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। बाकी उसका सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का कोई भी ध्येय नहीं है, कोई भी उसका इरादा नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना है। फिल्म में जो रानू मंडल की जो भूमिका है वो बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री है इशिका डे, ये फिल्म दोनों ही भाषा में रिलीज की जाने वाली। फिल्म में हिमेश रेशमिया का भी रोल है, हिमेश रेशमिया को मनाया जा रहा है कि आप भी इस फिल्म में काम कर लो। अच्छा, ये फॉरेनर जितने होते हैं जब इंडिया आते हैं घूमने तब इन्हें गरीबी में बहुत इंटरेस्ट होता है, ये सिर्फ गरीबों की ही तस्वीरें निकालते हैं, गरीबी पर ही बात करते हैं। पहले की बात कर रहा हूं जब उस वक्त किसी और की सरकार थी, अब तो सरकार बदल चुकी है, अब अच्छी चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो ये लोग सिर्फ गरीबी के ऊपर ही फोकस करते थे, तस्वीरें निकालते थे और वहां पर तस्वीरें दिखाकर पता नहीं कितने पैसे कमाते थे, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाकर धारावी में घुस जाते थे, तो उनका मकसद ही वही रहता था, इंडिया में गरीबी दिखाओ पैसे कमाओ। तो वही काम अब बॉलीवुड कर रहा है, गरीबों को लेकर उनकी जबरदस्ती वाली स्ट्रगल स्टोरी को दिखाकर पैसे बनाने और कमाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि गरीबी को बेचा जा सकता है, वो भी करोड़ों रुपए में।